Hello, myself Himani Sharma from RPIT campus. In today class, I discuss about the scope of the pharmacology, toxicology. The toxicology is traditionally defined as the science of the poison. It deals with the effect of poison method for their detection, diagnosis, and treatment. टैक्सोकोलॉजी में हम मेनली पॉइजन के बारे में डिस्कशन करते हैं एंड इट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ पॉइजन मेथड एंड देयर डिटेक्शन, जिसका मेथड क्या है, इसकी डिटेक्शन कैसे की जाती है और उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो ये सब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी टैक्सोकोलॉजी में। इसमें जो सबसे पहले आता है कीमोथेरेपी। व्हाट इज़ द कीमोथेरेपी? It is the branch of the pharmacology that deals with the drugs capable of destroying the causative organism without destroying the host cell, the mechanism undertaken in the chemotherapy. इसमें मेनली जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो इसमें बैक्टीरिया होता है या ऑर्गेनिज्म होता है जो भी, तो उसको क्या करते हैं, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को विदाउट डिस्ट्रॉइंग होस्ट सेल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंड जो मैकेनिज्म होता है उसका, मैकेनिज्म अंडरटेकन इन द कीमोथेरेपी फार्माकोपिया। इट इज़ व्हाट इज़ द फार्माकोपिया? इट इज़ द एन ऑफिशियल कोड कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड एस्टेब्लिश्ड ड्रग एंड मेडिकल प्रिपरेशन विद इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, टेस्ट फॉर द स्किन, आइडेंटिफाई प्योरिटी एंड पोटेंसी। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल कोड होता है जिसमें हम मेनली लिस्ट होती है इसमें सिलेक्टेड ड्रग्स की और मेडिकल प्रिपरेशन की विद इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है उसके सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। जो ये फार्माकोपिया होता है इसके लिए जो मेनली क्या है, हमारी ड्रग कैसी दिखती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी कैसी स्ट्रेंथ है, उसका क्या कैसा कलर है, उसका कैसा टेस्ट है, फॉर द स्किन आइडेंटिटी प्योरिटी एंड पोटेंसी, मीन्स कि जो उसकी जो आइडेंटिटी क्या है, प्योरिटी कैसी है, वो कितना प्योर है वो ड्रग, उसकी पोटेंसी हमारी बॉडी में कितनी है, तो ये सब इसमें टेस्ट किया जाता है फार्माकोपिया में। इन सब की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फार्माकोपिया का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी ड्रग्स है, जो भी ड्रग है, उन सब की हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन फार्माकोपिया में रिकॉर्डेड होती है, उसके अंदर वो लिखी होती है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हमें किसी नए ड्रग पर काम करना है, उस पर हमें नई मेडिसिन के ऊपर कुछ नया, हमें कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें हम मेनली क्या करते हैं, फार्माकोपिया यूज़ करते हैं। फार्माकोपिया की हेल्प से ही हमें पता लगता है कि यह ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है, इसकी सोलेबिलिटी क्या है, इसकी एफिशेंसी कितनी है, उसकी जितनी भी ऑल ओवर जो उसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो सभी हमें फार्माकोपिया की हेल्प से पता लग जाती है। सेकंड आता है कि इंडियन फार्माकोपिया। एग्जांपल क्या है इसके, इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ये हमारे तीन तरह के फार्माकोपिया होते हैं। एक सबसे पहला आता है इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया जो हमारे इंडिया में जो बनाया गया है उसको हम इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं। सेकंड है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो ब्रिटिश की जो ड्रग्स होती हैं उनकी, उनसे रिलेटेड जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी ब्रिटिश फार्माकोपिया में मिलती हैं। यूएसपी फार्माकोपिया मीन्स जो यूनाइटेड स्टेट है, जो वहाँ की जो ड्रग्स है उनकी आइडेंटिटी कैसी है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उनके बारे में सारी डिटेल है, वो यूएसपी फार्माकोपिया में मिलती है। तो आज क्लास में मैंने डिस्कस किया कि स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी और टैक्सिकोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ द टुडे क्लास आई डिस्कस अबाउट द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी। थैंक यू।